सॉरी जानू, बॉस के पास जरा फंस गया था। अंधेरे में बुलाया तो आंखें बंद करके मुझ तक पहुंच जाते हो, उजाले में बुलाया तो नाटक कर रहे हो। जल्दी आ जाओ। खेल खत्म होने के बाद ग्राउंड पर रुकने के लिए आज के लड़के पागल है क्या? ये क्या कर रहा है क्या पता, इसे फोन करती हूँ। हेलो, कैसे हो तुम? अभी याद आई मेरी। रात को तो फोन ही नहीं उठाया तुमने। सो सॉरी यार, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। अब कहाँ हो तुम? तो फिर कब मिले? संडे को? प्लीज यार। ओके एक मिनट, अभी आई। ओके बोलो जानू। ए हट, मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। सॉरी जानू, पापा का बीपी लो हो गया है, वो चक्कर खाकर गिर गए हैं। अच्छा, इस संडे को बाहर चले? इस संडे को। ओके बाय। संडे को मिस मत करना प्लीज। ओके बाय। ये इडियट कहाँ चला गया, कब से इंतजार कर रही हूँ, आ ही नहीं रहा। हाय, बताओ मैं कौन हूँ? देव? नो। राज? बिल्कुल नहीं। तो फिर गणेश? नो नो नो, कोशिश करो। ओके आई ट्राई। ओके, फर्स्ट टाइम नंदी पहाड़ में तुमने मन मंद का दुनिया देखने की फीलिंग की थी, उस दिन तुम घायल थी और मेरी छाती में अब तक है वो। ऐसा है तो तुम देव ही हो। नो नो नो, लास्ट टाइम कॉफी डे में मैंने तुम्हें केक खिलाया था, याद आया? नहीं, मैं हार गई, तुम ही बताओ। ओके, मैं ही बता देता हूँ। तो मैं आँख खोल दूँ? हाँ। जल्दी बताओ ना। रुक जाओ जाने मन। छोड़ो छोड़ो, मुझे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? नहीं छोड़ो, क्या कर रहे हो? रोज 4-5 लड़कों के साथ घूमती हो ना, हमारे साथ मजा नहीं आ रहा तुम्हें? क्यों, हम क्या किसी से बुरे हैं क्या? टाइट जींस टाइट टी शर्ट पहनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? कपड़ों से तुम्हें एलर्जी है ना? देखिए, प्यार नाम का शब्द अपना असली मतलब खोकर युवाओं के हाथों कैसे खेल का विषय बन गया है। आज खुशी आशा हर किसी के लिए मूल मंत्र बना हुआ है। इस बात में अपना देश दूसरे स्थान पे है, अत्याचार में अपने देश की राजधानी दिल्ली सबसे पहले नंबर पे है और बेंगलुरु दूसरे स्थान पर। राज्य भर में सबसे ज्यादा अत्याचार का केस दर्ज होता है उत्तर कर्नाटक में। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के हिसाब से 2011 में अपने देश में 24,206 लड़कियों पर अत्याचार हुए और 2013 में बेंगलुरु में 97 रेप केस हुए थे। हर 3 मिनट में एक लड़की रेप का शिकार होती है। अंदाजा लगाया गया है कि हर 3 मिनट में एक लड़की रेप का शिकार होती है, हर 3 मिनट में एक महिला रेप की बलि चढ़ जाती है। मतलब एक घंटे में 20, एक दिन में 480, एक साल में 1,75,200 औरतें हिंसा का शिकार हो जाती हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के अध्ययन के हिसाब से एक अत्याचार की बात बाहर आती है तो ऐसे 68 केसेस छिपाए जाते हैं। एक केस पुलिस थाने में रजिस्टर होता है तो 38 केसेस दिखाई नहीं देते। दिल्ली पुलिस के हिसाब से तकरीबन 74 लोगों को बेगुनाह बोलकर आजाद कर दिया जाता है। मतलब अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? मर्दों द्वारा औरतों को आगे बढ़ते न देख पाना, आजादी का गलत मायने लगाकर अपनी ही जिंदगी को बर्बाद कर लेने वाली औरतों की भावनाएं, संस्कृति का गलत फायदा उठाना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दबाव, ऐसे हालात में इंसान की जिंदगी दबाव से भरपूर होती है। सेक्स को बढ़ावा देने वाले यंत्र, शराब, मोबाइल, बदलते हुए भौगोलिक वातावरण, कुछ भी हो पर यह अत्याचार रुकने वाला नहीं है। जो मन संस्कृति को नहीं मानता है या जानता है वो ऐसे अत्याचार करता है। अत्याचार और औरतों के मन के विरुद्ध लड़ाई तुम से ही शुरू हुई है। महिलाओं के हाथ बेड़ियों से बंधे हुए हैं और तुम लोगों की मौत से ही उन्हें आजादी मिलेगी। सभी भारतीय पुरुषों से मेरा यही कहना है। क्यों, स्कूल के बच्चों का केस है क्या? हाँ सर। ठीक है, जाओ लाइन में बैठो। जाओ। जी सर। Oh,
देखिए देखिए सर, खून गुंडागर्दी और दादागिरी से ज्यादा आजकल रेप के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं सर, पूरे इंडिया में आजकल केस बढ़ते ही जा रहे हैं। और देखिए सर, ये अपराधी कैसे मुंह छुपाकर बैठा हुआ है। इन अपराधों को रोकना चाहिए सर। देखिए सर, कैसे मुंह छुपाकर शर्म के मारे बैठा हुआ है। आइए सर, मैं आपको इस महानुभाव से मिलवाता हूँ। ए मुंह खोल सर, ये है एमएलए पलप्पा। अब ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे। पॉलिटिक्स, मैं किसी की हेल्प करने गया था तो उन्होंने ये हाल कर दिया। पॉलिटिक्स। देखिए सर, ये है डॉक्टर। बच्चे के लिए एक औरत इनके पास आई तो ये खुद ही बच्चा पैदा करने लग गए। फैमिली डॉक्टर है तू। थू, कैसे कैसे लोग हैं। ये है शिक्षक। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बजाय वहां पर गुलछर्रे उड़ा रहे थे ये। गुरुदेव नमः। स्वामी जी, भोगानंद जी समाधि पे बैठ के उपदेश देने के बजाय गद्दे में बैठकर काम शास्त्र सिखा रहे थे। बच्चा, सेक्स इज द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, व्हाई आर यू वरीड। मूर्ख। ये स्वामी जी लगता है बहुत बड़े मठ से हैं। पर्सनालिटी देखने से पता चलता है, लगता ध्यान में भी वही कर रहे हैं। ये पुराना मोटर कौन है सर? ये दिखता बूढ़ा है, बहुत ही खतरनाक है ये। हे भगवान, कैसे कैसे नमूने हैं। ये कौन है जो चेहरा कपड़े से ढककर बैठा है? अरे बापरे, इसकी तो विचित्र कहानी है सर। अरे मामा, तुम क्या किया तुमने, बताओ। आशा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो ऐसे ऐसे कर रही थी, मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद मुझे पता चला कि उसे ऐसे करने की बीमारी है। मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तो उन्होंने किया। मैं अकेला था, मैं क्या करता। देखो कैसे मारा है मुझे। ए मामा, बहुत सही किया तुम्हारे साथ, बिल्कुल सही जगह पर भेजा है तुमको। मेरे कपड़े भी उतार दिए। अरे मामा, मैं क्या करूं? रुक, रुक, वो तो सपना था। रात को तूने कमल सिंह की फिल्म देखकर मुझे पागल बना दिया। ऐसा ही करते हो। तुम ऐसा करते हो, मैं नहीं। इतने अच्छे इंसान होने के बाद इतना बुरा सपना देखोगे क्या? अरे ये कौन सा तरीका है? इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद तूने इतना बुरा सपना देखा है? मामा, तुम जैसा काम करते हो, जैसी बात करते हो, तो और कैसे सपने आएंगे बोलो। अच्छा, ए, उठ तू, उठ, बहुत हवा में उड़ रहा है ना, और बहुत हंसी भी आ रही तुझे। उठ, ऊपर उठ, चल उठ जा। ए, सुन, प्यार प्यार करके लड़की के पीछे घूमते रहते हो और फिर आखिर में क्या करते हो तुम लोग? सिर्फ 200 रुपए लेके चल मेरे साथ। अंधेरे में जो कुछ करेगा उसका आनंद कुछ और ही मिलेगा तुझे, सोच के देख। और जो आनंद मिले वो बताना मुझे। सच बोलते हैं तो सबको कड़वा लगता है। किसी को भी दिल में बसा कर कहते हो प्रपोज करूंगा, ऐसा रोज मरता है ना तू। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मेरे सामने तू सर झुका के खड़ा रहेगा, उस दिन मैं बताऊंगा तुझे मुझसे करता है प्यार की बात। मैं पानी के जैसा हूँ, जिस बर्तन में डालोगे उसी में रह जाऊंगा, समझे? बर्तन जरा देख कर इस्तेमाल करना। इस धरती पर करोड़ों जानें पैदा होती हैं और मर जाती हैं, लेकिन जिसे मौत नहीं आती वो है सिर्फ प्यार। मेरा नाम है आकाश, मैंने लिटरेचर में एमए किया है। पढ़ाई खत्म होने के बाद मैंने बुके शॉप ओपन किया, खुद की दुकान, और उस शॉप में मैंने बहुत मेहनत की। मेरे शॉप के सामने एक मोबाइल की शॉप थी, वहाँ एक लड़की सिम कार्ड्स को सब्जियों की तरह बेचती रहती है। वो मुझे देखेगी, मुझसे प्यार करेगी, ऐसी सोच मुझे रोज़ परेशान करती थी। ये आवारा दिल सिर्फ लड़कियों की स्माइल के लिए, उनकी नज़रों के लिए इंतज़ार कर रहा है, ये मुझे पता नहीं था। मेरे बहुत मना करने के बाद भी मेरा ये आवारा दिल उसे रोज़ देखने लगा था। वो जब शॉप में नहीं रहती थी तब भी मेरी आंखें उसी को ढूंढती रहती थी। पागलपन इतना बढ़ गया कि उसकी शॉप बंद होने के बाद भी मैं उसकी शॉप के पास वॉचमैन की तरह खड़ा रहता था, और वहां उसके कदमों के निशान मैं बस ढूंढता रहता था। प्यार के बारे में लोगों के दिल में क्या क्या है ये तो मैं नहीं जानता, मगर प्यार ने अपनी पवित्रता बचा कर रखी है ये मुझे पता है, और उसके गवाह हैं मेरे दादा दादी। सलीम अनारकली अगर जिंदा होते तो मेरे दादा दादी की तरह जीते या नहीं जीते मुझे नहीं पता। मेरे दादा एक दिन भी मेरी दादी के लिए अगर फूल नहीं लेकर गए तो उनका दिन आसानी से नहीं गुजरता, वो हमेशा सोचते रहते हैं। मेरी दादी भी बिल्कुल ऐसी ही है, दादा से बहुत प्यार करती है। मेरी भी उस लड़की को फूल देने की बहुत इच्छा है, मगर मेरी गर्लफ्रेंड के बाल कितने बड़े हैं ये तो मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन आज मैं अपने दिल की बात उसे बताकर अपने दिल का बोझ उतारने वाला हूँ।
क्या चाहिए सर? बोलिए ना सर, क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी जरूरत है। What? सिम कार्ड चाहिए मुझे। सर यहाँ पर नंबर पड़े हैं, आपको जो नंबर चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज और आईडी प्रूफ का जेरॉक्स दे दीजिए। मुझे 9143143143 नंबर चाहिए। 143143? नहीं सर, ये नंबर मिलना मुश्किल है। अगर आपको ये नंबर चाहिए तो आपको कंपनी जाना होगा। आप कंपनी गए तभी भी आपको नंबर मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं। अगर आप चाहोगे तो ये मुश्किल काम नहीं है। मतलब? देखिए मैडम, मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता है। जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था तब आप मुझे बहुत पसंद आई थी। अगर आपकी तरफ से हाँ है तो मैं आपसे शादी करके आपको जिंदगी भर खुश रखूंगा। मेरे दादा की तरह रोज आपके बालों में फूल लगाने की मेरी आशा है। कोई बात नहीं, आपके बाल भी बहुत लंबे हैं। हेलो, दूसरा काम धंधा नहीं है क्या? जाइए यहाँ से। एक्सक्यूज मी, हेलो। लड़कियों के दिल को समझने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए ये तो मुझे नहीं पता। उसने हाँ कहा या ना कहा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। हे बेबी कम इन माय लाइफ बेबी। हे बेबी, अरे उसे किसी पागल डॉगी ने काट लिया क्या जो इतना खुशी में गाना गा रहा है? ये क्या हुआ इसे? आजा तेरी कमी थी, वो हूँ बोली ये समझ में नहीं आ रहा। वो मान गई या मुंह पर थूक कर गई ये भी समझ में नहीं आ रहा। तेज हवा में दिया जलाकर छोड़ दिया है इसलिए ये गाना गा रहा है। अरे सुन मेरी बात ध्यान से सुन, किसी गधी के पीछे जाएगा तो लात ही पड़ेगी तुझे। नहीं, और लात खाने के बाद वो कहेगी मेरे पीछे बिल्कुल मत आना। मगर ये लड़कियाँ ऐसी नहीं है, सडनली कैसे भी एंट्री मार के जिंदगी में घुस जाती है। जरा संभल के रहना इनसे। देख सुन, 10 सिर वाले रावण का भी दिमाग घूम गया था एक औरत के पीछे, लेकिन तेरे पास तो सिर्फ एक ही सिर है। जरा सोच के देख तेरा अंजाम क्या होगा। देवदास हो जाएगा। ओए तू चुप कर, तुम लड़कियां तो पब्लिक लाइब्रेरी की तरह हो। पता नहीं कितने लोग आकर पढ़कर जाते हैं मगर सब बुक्स को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में एक बुक को कितने लोग पढ़ते हैं सब उसका मतलब अलग अलग समझते हैं। तुम लोग ना समझ में आने वाली कविता की तरह हो, लेकिन हम लड़के ऐसे नहीं है, रोज आने वाले न्यूज़पेपर की तरह हैं। कौन कहाँ कब पढ़े तो भी एक ही मतलब होता है, और उसकी कीमत वो भी सिर्फ 4 ही रुपए। इतनी सिंपल होती है लड़कों की लाइफ। हेलो, एक दिन के 4 रुपए मतलब महीने के 120, साल के 1440 रुपए। आखिर में जाएंगे भंगार वाले के तराजू में। मगर ये कविता ऐसी बिल्कुल नहीं है। एक बार 100-200 जमा करके तुम्हारे घर में रख दिए तो मूड नहीं होगा ना, तो भी जब चाहे तब पढ़ सकते हो। समझा करो यार। कोई जीत पाएगा तुम्हारे सामने? तुमको तो दूर से ही काम। हमारे सामने तो तुम लोग हार कर जीतने का नाटक करोगे ये मैं जानती हूँ। शांति, मुझे आशीर्वाद दो। क्यों बेटा, कहाँ जा रहे हो? दुकान जा रहा हूँ। दुकान तो रोज ही जाते हो ना। अब आशीर्वाद दोगी या नहीं दोगी? ठीक है, तुम 100 साल तक खुशी खुशी जियो। बस इतना ही और क्या चाहिए? दूसरा कुछ बोलो ना। खूब तरक्की करो और मेरा और तुम्हारे दादा का नाम रोशन करो। बस बस, अरे दूसरा कुछ बोलो। आज क्या हो गया है तुझे बेटा? दादाजी को जिस तरह तुम मिली हो वैसी मुझे कोई नहीं चाहिए क्या? जी सुनिए, आपके पोते को क्या चाहिए आप ही? अरे शुरू से ही तो ये वही कह रहा है, तुम समझी नहीं? नहीं तो? अरे ये भी किसी के बालों में फूल लगाने के इंतजार में है। तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उससे शादी करके 3 प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी गोद में बैठा कर तुम और तुम्हारी बीवी 100 साल तक जी। अच्छा, यही तो चाहिए था मुझे। ये प्यार करने वाले लड़कों की तकदीर ऐसी ही होती है ना, मुझे देखेगी सोचकर मैं रोज इंतजार कर रहा था। वो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। मैं पूरी तरह पागल बन गया। उसके दिल में प्यार है, वो मुझे देखना नहीं चाहती है, या फिर देखकर भी ना देखने का नाटक कर रही है। इस तरह मेरे दिल में डाउट शुरू हो गए। मैं उसे छुप छुप कर देखने लगा, लेकिन वो तो चुपचाप अपना काम करती चली गई। इन लड़कियों को दिल देकर रोज मरने से अच्छा ट्रेन के नीचे आकर एक ही बार मर जाओ, ऐसा मेरा मन करने लगा। और मैंने आखिरकार फैसला कर ही लिया। मैंने शाम तक इंतजार किया, लेकिन उसने मेरी कोई केयर नहीं की। जाल में फंसे हुए एक पंछी की तरह मेरा दिल पल पल तड़प रहा था, मगर वो तो अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी काम कर रही थी। मेरे दिल का दुख देखकर बादल भी रोने लगे थे, इसलिए उस वक्त जोर से बारिश शुरू हो गई थी, मगर वो मेरे दर्द की बारिश में भीग नहीं पाई, मुझसे रहा नहीं गया। तो उसके फ्रेंड्स के जाने तक मैंने इंतज़ार किया, कुछ भी करके उससे बात करने के लिए कान के पास फ़ोन रखकर ड्रामा करके उसके पास जाने लगा।
उसने अचानक मुझे स्माइल दी, लेकिन मैंने उसकी स्माइल की परवाह किए बिना मैं आगे चला गया। मगर थोड़ी देर के बाद मुझे क्या हुआ मैं समझ नहीं पाया। मैं क्या कर रहा हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मैं सीधे जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। वो I love you. I love you. प्यार करोगे? प्यार का नाम सुनते ही तुम्हें बुखार चढ़ जाएगा, ऐसा खेल खेलूंगी मैं तुम्हारे साथ। Give me five, he's gone. सही कहा तुमने। ए मामा, मामा! अरे ये तो आकाश है ना। क्या हुआ इसे? अरे क्या हुआ, अरे ऐसे क्यों भाग के आ रहा है? याहू! I'm so happy! हाँ, वो तो दिख ही रहा है। अरे क्या हुआ बताना। अरे क्या हुआ यार? अरे बता तो सही, क्या हुआ? कुछ अरे हुआ क्या? अरे मुंह खोलेगा कुछ बोलेगा। अरे बताना, ये इतना हैप्पी क्यों है? क्या हुआ इसको? कर क्या? My love is success! Success! Oh! Success! नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। आंटी कॉफी बन गई? हो गया। चलो ठीक है। ये तो बड़ी साफ जमीन है। अरे भाई क्या पढ़ रहे हो? दिख नहीं रहा। सर पर बाल होते तो और ज्यादा भाव खाता। मैं पूछ रहा हूँ क्या पढ़ रहे हो? इसमें मेरा आज का भविष्य दिया है, वही पढ़ रहा हूँ। अरे दोपहर होने को आई, कुछ काम धंधा करो, ये भविष्य देख के कुछ नहीं होने वाला, कमाने वाला। छोटी, ये छोटी दीदी क्या है? मैसूर वाले हथनी उठाने को। अरे तुझे लात मारूंगी मैं। अरे बाप रे, तेरा वजन तो हथनी से भी ज्यादा है, तुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। तेरी साइज के कपड़े सिलवाने के लिए टेंट लाना पड़ेगा। अरे मारो मत मुझे, अरे मारो मत मुझे, अरे क्यों मार रहे हो? दोबारा अगर दिखे ना तो टांगे तोड़ दूंगी। बच गई आज तू, मैं तुझे आज छोड़ रहा हूँ, नहीं तो तेरी चमड़ी उतार कर पर्दा बना देता मैं। पति की कोई इज्जत किया करो। हेलो 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 हेलो, अरे दक्षिण कुमारी ड्रामा बंद करो, सब जानता हूँ मैं। कितनी बार मना किया था कि शादी मत करना। हाँ, तीन गांठ बंधवा के तू अपनी हड्डी तोड़वा रहा ना, पागल हो गया था तू। देख तू मुझे देख ना, मैं फ्री बर्ड हूँ, फ्री, जहाँ चाहूँ उड़ सकता हूँ, जहाँ चाहूँ बैठ सकता हूँ। मुझसे कुछ सीख और मेरे साथ चलना। अरे ये तो पागल है। अरे तुझे बुला रही हूँ। हाँ तुझे ही बोल रही हूँ। बिना शादी के किसी को मोक्ष नहीं मिलता। स्वर्ग में जगह नहीं है, नर्क में भी जगह नहीं है, बीच में राक्षस बनकर लटकता रहेगा। मेरे संसार में आग लगाने की कोशिश कर रहा है कमीना कहीं का। तू किसी ऐसी वैसी बीमारी से जल्दी मर जाए तुझे। अरे तू क्या देख रहा है, चल अंदर आ जा। तू जाना अंदर और मार खानी है। चल चल, तू क्या देख रहा है? इसकी और क्षमता है। ए तू क्या देख रहा है, चल निकाल। हाँ जा तो रहा हूँ मैं। अरे जाता है या तेरी भी टांगे तोड़ दूँ? हाँ ठीक है। हाँ, अरे तेरे आगे पीछे कोई नहीं, तुझे पूछने वाला कोई नहीं, क्यों ऐसा करता है रे कमीना तू? अरे तू अभी भी यही खड़ा है, चल अंदर, दोबारा यहाँ मत दिखना। मैं शादी नहीं करना चाहता। डॉग को क्या चाहिए, एक गली, और शेर को क्या चाहिए, पूरा जंगल। ये क्या कर रहा तू सतीश, हो क्या रहा? ये दिखता नहीं है क्या? साफ सफाई चल रही है। साफ सफाई, गाड़ी साफ करेगा तो क्या फायदा, इंजन मजबूत होना चाहिए तभी रनिंग ठीक रहती है। कम ऑन फॉलो मी। आ गया पकाने। हाय अंकल। हाय। आज के बच्चे कल का भविष्य, क्या नाम है तुम्हारा? आवारा। आवारा? जनसंख्या इतनी ज्यादा होगी कि इसका नाम इतना अजीब ही रख दिया, इससे अच्छा कोई नाम नहीं मिला क्या? जैसे सांप, बिच्छू, डॉगी, डोंकी। आंटी आपकी बेटी भाग्य सुन के अफसोस हुआ, अब आप घर में बैठा करो, बाहर निकला ठीक नहीं। हाँ चलो मैं चलता हूँ, मेरा कोई इंतजार कर रहा है।
फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको नशा चढ़ाओ मेरी फूलों की रानी। गेंदा गुलाब चमेली चंपा, गेंदा गुलाब चमेली चंपा, उससे भी ज्यादा सुंदर दिखती हो तुम, मेरे साथ चलोगी क्या? बोलो ना, जवाब दो ना। गुलाब का कांटा, बेर का कांटा, बबूल का कांटा, इससे भी ज्यादा काले हो तुम, बांधोगे क्या बताओ? अरे ये मंगलसूत्र हमें बीच में आकर बदनाम कर रहा है। हे, आज नहीं तो कल मैं तुझे विदाउट लाइसेंस लेकर ही जाऊंगा। वो तुमसे कभी नहीं होगा। इसे पता नहीं कि मैं कैसे कैसे को फंसा चुका हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। हे स्मिता, आज मैंने उस रोमियो को अच्छा मजा चखाया। ओ, ऐसा क्या किया उसने रे? सब्जी से लेकर हर चीज की शॉपिंग की। कम से कम 5000 रुपए तो खर्च हो ही गए होंगे। मैंने उसे कह दिया कि मैं अपना पर्स घर में भूल गई और उसने चुपचाप पैसे दे दिए। पेट्रोल भी खत्म हो गया था, बेचारा चलकर ही घर गया होगा। बेचारा है यार, मुझे नहीं लगता वो कोई चालू लड़का है यार। He's so innocent. अच्छा, उसने तुझे घर तक छोड़ा? मैं क्या पागल लगती हूँ? मैं दो गली पीछे ही उतर गई थी। चाहे वो कितना भी भोला हो या कितना भी चालाक, आखिर वो है तो मर्द ही ना। वो भी सही है यार। हे स्मिता, तू डिस्कनेक्ट मत करना, उसे और मजा चखाते हैं। ए, क्या करने वाली है बता। हेलो। सॉरी आकाश, इस टाइम मैसेज करके तुम्हें तकलीफ दे रही। वो मैं रिचार्ज करना ही भूल गई थी। पापा को भी मैसेज किया है लेकिन वो फिर रिस्पांस ही नहीं दे रहे। एक अर्जेंट कॉल करना है, सो प्लीज। हे, इसके लिए सॉरी क्यों कह रही हो? 10 मिनट में करवा देता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, या बाय बाय। सर रिचार्ज करना है। यहाँ से आगे राइट में जाओगे वही है। करवाया क्या बेचारा? इस वक्त 10 बज रहे हैं, कहाँ से रिचार्ज करेगा? देखती जा। सर एक मिनट, रिचार्ज करना है सर। आप नहीं हो सकता है, दुकान बंद करने का समय हो रहा है, आप बिल्कुल नहीं मिलेगा। सर प्लीज, अर्जेंट है सर। सर प्लीज। चलो ठीक है, नंबर बोलो। 98451। ठीक है, जाओ हो गया, जाओ। अब मैं फ्री में रिचार्ज कर रहा हूँ क्या? इतना भाव क्यों खा रहा है? हे, उसने कर दिया। वाओ, ठीक है, कल पार्टी के लिए तैयार हो जा। क्या बर्थडे? किसका? मेरा। तेरा बर्थडे तो परसों है ना? हाँ, लेकिन कल मेरा झूठा बर्थडे है, पार्टी वो देगा। और परसों के दिन मेरा रियल बर्थडे है, उस दिन पार्टी मैं दूंगी, ठीक है ना? ओके, हमें क्या, डबल धमाका, हम तो एंजॉय करेंगे। मेरी लाइफ में इतना प्यारा गिफ्ट किसी को फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ। लालटेन को? नहीं मामा, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ, हाँ, ये गिफ्ट जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहिए, तभी तो उस गिफ्ट की कोई वैल्यू होगी। अरे बस दे देना। देखो आकाश, कुछ भी हो चीजें खत्म हो जाती हैं। तुम एक काम करो, पैसा दे दो। हाँ, जितना पता उतना ही बोलेगा ना, जो मैं बोलता हूँ तू वो देना। जिंदगी भरी नहीं, जिंदगी के बाद भी वो गिफ्ट बरकरार रहेगा, देखना। ऐसी क्या चीज है वो? ए, इसे बताना बेकार है, कर तो पाएगा नहीं। हेलो मामा, उसके लिए मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बताओ ना क्या करना है। अरे यार, ये तो तेरा परमानेंट अड्डा है ना, यहीं पे उसे ताजमहल बना कर दे। बस कर, बना देंगे ताजमहल, चुप कर। अरे तू चुप रहे यार। मामा तुम बताओ ना प्लीज। तो फिर सुन, लड़की को मंगलसूत्र बांध के संसार बसाने की तैयारी कर। मंगलसूत्र जिंदगी भर रहेगा और पैदा होने वाला बच्चा वो तेरे मरने के बाद भी रहेगा। क्या बस यही है क्या? कुछ अच्छा हो तो बोलो ना। अरे इससे अच्छा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। अगर इससे अच्छा चाहिए तो तू ये वो वृद्धाश्रम में चला जा। हाँ हाँ, चलो चलो। ए, अपना मुंह बंद करना भाई, चाय पियोगे क्या? अरे उसके मुंह पर फेंक। अरे वो छोटू उस्ताद, जरा इधर आ जा रे। अच्छा स्वामी जी का कपड़ा पहन कर दिया है, बच गए हम लोग। ए बटले, मुझे भी एक चाय देना, इससे शादी कर लिया, रोज चाय पिलाएगा। हाँ सही बोला। भूमि, तुम्हारे जन्मदिन पर दिए जलाने चाहिए, दिए बुझाकर जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। ये लो, दिए जलाओ। ये दिए मैंने बच्चों के हाथों से क्यों जलाए पता है? क्योंकि बच्चों के मन में कोई स्वार्थ आशा छल नहीं रहता है। हमें कितना भी बड़ा होने दो, हमारा प्यार इन बच्चों के मन की तरह ही होना चाहिए। केक काटो। Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday dear. Happy birthday to you. भूमि, मेरी लाइफ में ये बर्थडे बहुत ही स्पेशल है। सुपर यार, क्या बात है! वाह वाह, मजा है। तुम हमेशा इन फूलों की तरह हंसती रहो। ये फूल मैंने तुम्हें गिफ्ट के रूप में क्यों दिए पता है? क्योंकि फूल हमेशा हंसते रहते हैं, हमारा प्यार भी इन फूलों की तरह हमेशा हंसता रहे, बस यही मेरी इच्छा है।
तुम मेरी जिंदगी में आने के बाद एक नया मोड़ आ गया है मेरी जिंदगी में। अब बस खुशियां ही खुशियां हैं, इसलिए ये सेलिब्रेशन है। तो कुछ भी बोल यार, ये तेरी लाइफ का स्पेशल बर्थडे है। Really, he has a good heart. Hey, baby. Hello, cutie pies. एक मेरी तरफ से। एक अच्छा था ना? वाह। अरे मामा, क्या? जो प्यार करता है वो हमेशा खुशी खुशी ही रहता है, वो फील ही कुछ अलग है। हाँ, कुछ ही दिनों के बाद वो भी महंगा पड़ता भैया, ये कोई जानता नहीं। सिर्फ अपनी शरीर से उसके दिल को खुश कर देना हाँ। और उसके मन को समझ कर उसे खुशी देना, दोनों में फर्क है मामा। अच्छा, गधा कीचड़ में नहाता है, सुअर घास में सोता है, ये चल चल चल, किसी और को अलग महसूस होता है क्या? हर में कोई धोखा नहीं होता हाँ। हम जो करते हैं उस काम में और सोच में ही धोखा होता है। अच्छा तू मुझे मत सिखा हाँ? जहर पीने के बाद उसका असर तुरंत पता नहीं चलता, धीरे धीरे सब जगह पे नसें फाड़कर खून निकलता है ना, उसके बाद उसका असर पता चलता है। मेरा एक फ्रेंड है, वो तेरे जैसे प्यार करता था, छुएगा तो दाग लग जाएगा, ज्यादा बात की तो उसका मुंह दुखेगा, ज्यादा चलेगी तो उसके पैर दुखेंगे, ये सोच के वो उसे अपने कंधे पे बिठा के घुमाता था, पर पता क्या हुआ, वो दूसरे के साथ भाग गई। उसका हाल जानना चाहता क्या है? चल मैं दिखाता हूँ तुझे। आई लव यू प्रीति। आई लव यू प्रेम। और थोड़े दिन रुको ना प्रीति, मैं तुम्हारे लिए ना ताजमहल बनवाऊंगा। सो स्वीट प्रेम, आई लव यू सो मच यार। प्रीति हम लोग बहुत जल्दी भाग के शादी कर लेंगे। नहीं बाबा, घर पर पता चल गया तो? तुम डरो मत प्रीति, मैं अपने दोस्तों से कहूँगा व्हाइट स्कॉर्पियो लेकर, व्हाइट कपड़े पहनकर, शंभू शिव शंभू का गाना सुनते सुनते जाकर शादी करेंगे। ऐसा है तो तुम भी फिल्म के जैसे मुझे बीच में छोड़कर चले जाओगे? छोड़कर नहीं जाऊँगा, नो चांस, वो रियल है, ये रियल है। शादी के बाद हम कहाँ जाएंगे? स्विट्जरलैंड जाएंगे, वहाँ एक छोटा सा घर बनाएंगे, सारे घर को फूलों से सजाएंगे और वहीं फर्स्ट नाइट पूरी करेंगे, ठीक है ना? ना लड़का, बेंगलुरु में रह करके ठीक से पढ़ना नहीं आ रहा है और स्विट्जरलैंड में जाकर फर्स्ट नाइट मनाओगे? अरे छोड़ कर नहीं जाऊँगा, बोला था दो मिनट छोड़कर। हाथ मिला लो, दोनों एक होने के बाद हाथ मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे हाथ छोड़ने का निशान उसकी छाती पर नहीं है, उसके दिल के अंदर होना चाहिए, इसीलिए तो अपने देश की जनसंख्या 125 करोड़ हो गई है। अरे रे रे रे, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, शांत हो जा, एक मिनट। नहीं तो क्या, उनके माता पिता मेहनत करके स्कूल भेजते हैं और ये लोग पेपर पे ड्राइंग बनाते हैं, वहाँ पेड़ के नीचे बैठ कर वो ड्राइंग बना रहे थे, दूध के दांत अभी टूटे नहीं है और माँ बाप का खेल खेल रहे थे। शूट कर दूंगा मैं इनको, शूट कर दूंगा। दोस्त शांत हो जा, खुद को संभाल। मास्टर जी की बात तो लोग सुनते नहीं, तो तेरी बात कैसे सुनेंगे वो, छोड़ना जाने देना। ये मेरा भांजा है, इसे भी प्यार हो गया, अब ये दामाद बनने की सोच रहा है, जरा समझा दे इसे। लव है क्या? ये सब प्यार व्यार आगे आगे चलता है, पीछे सब खराब हो जाता है। मेरे अनुभव से मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, प्रेम और काम ये सब माँ से ही एंड होता है। एक दूसरे से रिलेशन बनाने के लिए ये पागल दुनिया ने ही इस तरह का नाम दे रखा है। ये आज के जनरेशन की लड़कियां बहुत स्पीड में होती हैं। तुम ऐसे ही प्यार करते हुए बैठे रहोगे तो आई एम नॉट योर वाइफ बोलकर चली जाएंगी, समझे तुम? उन लोगों को चाहिए मौज मस्ती और सुख, अपना पर्स भी उन्हें दिखाना होगा। तुम कौन सी जॉब करते हो, कितना माल है तुम्हारे पास? हम जैसे मर्दों को यूज करके फेंक देती है, सिम कार्ड के जैसे। लाइफ टाइम वैलिडिटी दूंगा बोलने पर भी, इससे अच्छा ऑफर मिलने पर वो लोग चली जाती हैं। इडियट्स, थोड़ी भी ईमानदारी नहीं रहती है। वो लोग तुम्हें धोखा दें इससे पहले तुम्हें अपनी आंखें खोली होंगी। हाँ। आंखें खोली होंगी। ए, पेड़ के पीछे लव स्टार्ट हो गया क्या? मैं शूट करके आता हूँ। शूट 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 शूट। कमाल का आदमी है मामा, देखने में तो कितना डिसेंट लगता है। उसी ने कहा था ना कि लव आगे से देखने में अच्छा लगता है लेकिन पीछे से खराब होता है, वो भी ऐसा ही है। सातवीं क्लास में प्यार किया था, देख ले इसका क्या हाल है। तुझे दिखाने के लिए यहाँ लेके आया था, चल अब गाड़ी निकाल। भूमि, मेरे दादा दादी तुम्हें देखना चाहते हैं, क्या तुम कल मेरे घर आ सकती हो? कल तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी, भैया के साथ गाँव जा रही हूँ। सॉरी आकाश, अगली बार जरूर आऊँगी। ओके, कोई बात नहीं, फिर भी कल अगर मेरे घर आती तो अच्छा होता। कल मेरे घर पे एक छोटा सा फंक्शन है। कैसा फंक्शन? दादा दादी की 60 ईयर्स एनिवर्सरी। हम 60 साल जिंदा रहेंगे कि नहीं पता नहीं, मगर उनके 60 साल के एनिवर्सरी में अगर तुम भी होती तो और अच्छा होता। सॉरी आकाश, पर मेरा जाना जरूरी है, नहीं तो भाइयों को शक हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा वो चला गया। ओह गॉड, मुसीबत चली।
है रे। ऐसी खुशी अगर मुझे देखनी है तो एक साल और इंतजार करना पड़ेगा। फिर भी पता नहीं, मैं भूमि को बहुत मिस कर रहा हूँ। एक दिन भी वो इस शहर में नहीं है, ये सोचकर मेरे दिल में बहुत घबराहट हो रही है। प्यार में कितनी ताकत होती है। वो नहीं है फिर भी उसकी दुकान को देख लेता हूँ, क्योंकि जब तक नहीं देखूंगा तब तक मुझे तसल्ली ही नहीं मिलती। भूमि, ये यहाँ कहाँ से आ गया? अब क्या करूँ मैं? मतलब उस दिन जो सेलिब्रेट किया था वो झूठा बर्थडे? वो क्यों? बताना जरूरी नहीं है। मतलब अपना प्यार भी? अब समझ में आ गया ना? लेकिन भूमि, मैंने ऐसा किया क्या है जो तुमने मेरे प्यार की रोशनी को जलने से पहले ही बुझा दिया? तुम्हें ऐसा क्यों लगा था कि मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट करूंगी? इतना बड़ा नाटक करना जरूरी था क्या? हाँ जरूरी था। तो क्या, लड़कियों के बारे में क्या सोचते हो तुम लोग? लड़कियाँ मार्केट में मिलने वाली कोई सब्जी है क्या? जो खाने का मन किया वो उठा लिया? छी, वैसे तुम हो कौन? मेरे पड़ोसी हो, या फिर मेरे बुआ के बेटे, या फिर मेरे क्लासमेट, या फिर मेरे दोस्त हो? कोई खूबसूरत लड़की दिखी नहीं कि बस शुरू हो गए, तुरंत प्रपोज कर देते हो। और हम एक दूसरे को जानते हैं कितना है। और मैं तुमसे प्यार क्यों करूं भला? एक बार देखकर कोई तुम्हारे प्यार में पड़ जाए, ऐसा क्या स्पेशल है तुम में? दिखने में तो फुटपाथ में स्वेटर बेचने वाले जैसे लगते हो। प्यार करोगे मुझसे? प्यार? हे भगवान, इन लड़कों को कब दिमाग दोगे तुम? देखो, अगली बार अगर मेरे सामने आए तो मैं क्या करूंगी मुझे भी नहीं पता। अब जाओ यहाँ से। भूमि मेरी बात तो सुनो। भूमि एक मिनट सुनो तो सही। भूमि एक मिनट रुको। भूमि, अगली बार मुझे हाथ लगाया ना तो जान से मार दूंगी, बदमाश। ऊपर वाले, प्यार प्यार करके जपता रहता है उस इंसान के दिल में न दिखने वाले प्यार को तो रख दिया। उसे प्यार में ऐसा अंधा कर दिया कि पैर के अंगूठे से लेके सर के हर एक बाल तक वो सिर्फ प्यार में अंधा हो चुका है, और तू मजे ले रहा है। तेरी लीला निराली है। ये आकाश, मेरे मना करने के बाद भी तूने उस लड़की से प्यार किया और मार खा के यहाँ आके बैठा है, हमें दुख नहीं हो रहा है, हमें हंसी आ रही है। देख बेटे, प्यार करने के लिए 64 विद्या सीखेगा तो भी नहीं चलेगा। 64 के अलावा एक और विद्या है, पानी में जब मछली रोती तो उसके आंसुओं को पहचानने वाली विद्या। जिस दिन वो विद्या सीखेगा तभी इन लड़कियों को समझ पाएगा। तू जा और जाके उस लड़की के लाफा मार के पूछ के उसने ऐसा क्यों किया। आकाश, वो सही बोल रहा है। अपना मुंह बंद रखो। तुम लड़कियां अपने आप को समझती क्या हो? एक नंबर की नौटंकीबाज। अभी मन में कुछ और है, थोड़ी देर बाद कुछ और आ जाएगा। तुम्हारी बातें, आशा, सपनों के बारे में तुम लोग खुद भी जानती हो क्या? अरे मैंने क्या उसे पार्क में या थिएटर में ले जाकर रोमांस करके छोड़ दिया है क्या जो उसने मुझे मारा? बस कर, हमें पता तेरा लड़की के साथ जम नहीं रहा, मगर तू उसका गुस्सा हम पे तो मत निकाल यार, फालतू में निकाल रहा है। ए, लड़की ने तुझे वहाँ मारा और तू गुस्सा हमें दिखा रहा है? ए, तू जाकर उसे मारे या उसके पैर पकड़े, हमें क्या करना है, तू खुद देख ले। अरे छोड़ ना, ये सब कुछ नहीं चाहिए। 200 रुपए लेके चल, मैं तुझे सब कुछ दिखाता हूँ, पूरा ज्ञान मिल जाएगा। अरे मामा, अगर 2000 में सब मिल जाता है तो रोज इतने सारे लड़के लड़कियाँ प्यार के नाम पर मरते क्यों हैं? चुपचाप बैठे रहो, वो कहावत है ना, अपाहिज की सोच सातवें आसमान पर। आगे से ये सब मत बोलना। ठीक है, तू जा भी, तेरे मन में आ जो कर। अब अपने घर की लड़की को ऐसा बिजनेस नहीं करना है। मैंने बहुत मना किया लेकिन वो मेरी बात कहां मानी। हमें उसके कमाए हुए पैसे थोड़ी ना चाहिए। एक तो हमारी बहन है, सोचा था उसकी शादी कर देंगे, वो आराम से अपनी जिंदगी जिएगी। ऐसी लड़की की जिंदगी को खराब कर दिया तुमने। छे भैया, ये सारी बातों से कोई फायदा नहीं। अब आगे क्या करना है मुझे ये बताओ भैया। सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। ये समाज ही खराब हो चुका है। किसी को नहीं छोड़ूंगा, काट काट के उन्हें कुत्तों को खिला दूंगा मैं। ये सब रहने दो। स्मिता, कौन है वो, कहाँ रहता है,
ये सब तो तुम अच्छे से जानती होगी ना? नहीं अंकल, मगर वो लड़का प्यार करता हूँ ये कहकर हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था और ये उसके साथ खेल खेल रही थी। अपने मोबाइल शॉप के सामने ही इसका फूलों का शॉप है। उस दिन बर्थडे के दिन दोनों में झगड़ा हुआ था तो इसने उसके गाल पर तमाचा मारा। बहुत अच्छा लड़का है ये मैंने सोचा था, मगर ऐसा करेगा ये कभी नहीं सोचा था। तुम उनको पहचान तो लोगी ना? हाँ। फिर ठीक है भैया चलो। मेरा तो सारा सपना टूट गया, मेरे दिल को चोट पहुंची, अचानक मैं अकेला पड़ गया। जितना भी सोचता हूँ तो मेरे दिल को शांति नहीं मिलती। अगर वो सामने आ गई तो मैं क्या बात करूंगा, क्या पूछूंगा, ये मैंने डिसाइड करके रखा था। उसके शॉप के पास गया तो देखा तो शॉप बंद था। बहुत देर तक खड़ा रहा लेकिन शॉप ओपन हुआ ही नहीं। कुंडली के अनुसार पानी से खतरा है, आग से खतरा है ऐसा बताते हैं, लेकिन लड़की का खतरा तो इससे भी बड़ा होता है। अचानक से गायब हो गई, दिमाग खराब हो गया है। घर गए बिना इसके दुकान के पास इसका इंतजार करते हुए बैठा हूँ। पता नहीं दिल क्यों इतना जिद कर रहा है, इतने छोटे से दिल में कहाँ है वो। एक बार उसे देखने का दिल कर रहा है, हजारों सपने देखकर। 9 महीने पेट में पाला हुआ बच्चा अगर पेट में ही मर जाए तो उस माँ का जो हाल होता है वही हाल मेरा भी हो रहा है। कहाँ ढूंढूं उसे, उसका घर, उसका एरिया, मुझे कुछ भी नहीं पता। फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ। उसने मेरे गाल पर चाटा मारा था और मेरा अपमान किया था, तब भी मुझे उतना दुख नहीं हुआ था। मगर अब वो मुझसे दूर हो गई है तो मुझसे रहा भी नहीं जा रहा है। अगर वो मिल गई तो मैं खुद ही उसे सॉरी बोलकर उससे दूर चला जाऊँगा। लड़कियाँ कुछ भी करती हैं तो उन लोगों के लिए गलती नहीं होती है, लेकिन हम जो करते हैं वही गलत है क्या? मैं अपना दुख दर्द किसके साथ शेयर करूं? मैं जिसे भी देखता हूं मुझे बस वही दिखती है। आकाश। क्या हुआ रे, 3 दिनों से तू हम में से किसी से नहीं मिला, किसी की याद नहीं आई? इतना प्यार करता है उससे, ये प्यार व्यार करना अब पहले जैसी सीरियस चीज नहीं रही रे। सालों साल पहले एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसके बाद शादी करूं या ना करूं ये सोचते हैं, ये जमाना है। बार बार तुझे एक ही बात समझा रहा हूं, तू बुरा मत मानना। तेरे दिल का दुख दूर करने के लिए एक बार, सिर्फ एक बार तू मेरे साथ चल, नीचे उतर ना, नीचे उतर। देख यार, शादी के बिना, संसार बसाए बिना जिंदगी जीने वाले मेरे जैसों को तो ये लोग सुख देने वाले हैं। सब लोग सोचते हैं कि ये लोग जानबूझ के अपनी मर्जी से इस काम के लिए आते हैं, लेकिन हालात इनसे ऐसा करवाते हैं। प्यार व्यार में धोखा खाए हुए दुखी लोग बाहर घूमे बिना, अपना चेहरा दिखाए बिना यहाँ आकर शामिल हो जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोग हैं ये। वो देख, वो घर, वो स्वर्ग है। आ तुझे दर्शन करवाता हूँ। क्या धीरे धीरे चल रहा है, शुरुआत में ऐसा चलेगा? अरे क्या सर झुका के शर्मा रहा है तू? यहाँ किसी लड़की का हाथ मांगने नहीं आया, समझा? मर्द को यहाँ पर सर उठा के चलना चाहिए, तभी मर्द कहलाता है और तभी यहाँ पर इज्जत भी मिलती है, वरना सब तुझे ऐसे ढीला समझेंगे। देखा ये कैसे खड़ी है? अच्छा चला। सब ठीक है ना? हाँ, ठीक हूं। ये इस फील्ड में नया है, 2 दिन यहाँ बिता लेगा तो बाद में रोड पे घोड़ा बन के दौड़ेगा ये। ऐसा क्या? थोड़ा कम देंगे तो भी चलेगा, मैं एडजस्ट कर लूंगी। अरे ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी उम्र देखो और इसकी उम्र देखो, आशा रखनी चाहिए लेकिन लालच नहीं, समझे? दादी कहीं की। ए दादी, किसको बोला रे? ज्यादा बोलेगा ना तो तेरे बाल उखाड़ लूंगी। अच्छा चल चल अंदर चल, अंदर चल। ये देख, बचपन से यहाँ के फिक्स हो गई है। हाँ चला, जरा इधर देख, और बहुत कुछ होता है। ये देख, इसे मूंछ तक नहीं आई लेकिन यहाँ चक्कर लगा रहा, कुछ सीख उससे। ए फूल सूख गए लेकिन तेरे पसंद की लड़की नहीं मिली, ये चलेगी क्या? अरे ये लड़का नया है, इसका फर्स्ट टाइम है ना, तो जरा नया है तो क्या हुआ? मुझे तो डर है कि गाड़ी दे दिया तो चला पाएगा कि नहीं। इसे एड्रेस पता है लेकिन रूट नहीं पता है, तो 300 रुपए लेके जरा एडजस्ट। तुम सब मर्द ऐसे ही होते हो क्या? कब दिमाग आएगा, तुम लोग को पता नहीं, चल जाए यहाँ से और भेज उसे। अब पता ना तुझे क्या करना है, चल मैं तुझे दरवाजे तक छोड़ देता हूँ, पहले तू जा उसके बाद फिर मुझे भी तो कुछ ढूंढना है यहाँ पे। ठीक है चल अंदर आ। नहीं नहीं, अरे जल्दबाजी में कुछ मत करना है, जरा धीरे धीरे। अरे वो सब मैं देख लूंगी, तू जाना। दीदी देखो राजकुमार आया है। जल्दी जल्दी करके निकल जाने का, समझ गया? अगर पकड़े गए ना तो ससुर को हफ्ता देना पड़ता है, इतना ही नहीं फोकट में खाकर चला जाता है वो। बैठ जा।
क्यों नहीं चाहिए क्या? ए जल्दी पहन ले, चल तैयार हो जा। नहीं मैडम, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मगर वो। ए तेरी ये बकवास सुनने के लिए पूरी रात नहीं पड़ी है। मुझे जो मिलना था वो तो मिल गया है, इतनी दूर आया है तो जल्दी जल्दी करके निकल जा। नहीं नहीं मेरी बात सुनो प्लीज, वो उसने मेरे गाल पर मारकर मेरी बेइज्जती की। पर ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है रे? तुम लोग प्यार करते हो इसके लिए ही ना? उसके साथ भी एक बार ये सब करने के बाद कोई प्यार व्यार नहीं रहता। चल आ जा। अरे मेरी बात तो सुनो प्लीज। ए बुद्धू, तेरे पास बैठकर तेरा रोना सुनती रही ना, तो महीने का राशन, घर का भाड़ा, बच्चों की स्कूल फीस, घर पर बुढ़ा बुढ़ी की दवाई, ये सब तू देखेगा क्या? मैंने भी कभी प्यार किया था, तेरे जैसे सपने मैंने भी देखे थे, तभी पता चला कि प्यार फल के ऊपर होने वाला छिलका होता है, वो किसी काम का नहीं होता, फल खाकर छिलका फेंक देना पड़ता है। देख तू भी शादी कर ले, नहीं तो तुझे छिलका भी नहीं मिलेगा और ना ही फल मिलेगा, तू बर्बाद हो जाएगा। अभी भी सुधर जा, प्यार व्यार झूठ होता है, मेरी बात मान ले, नहीं तो ऐसे ही रोएगा। छह, सब मर्द ऐसे ही होते हैं। नहीं नहीं सब मर्द एक जैसे नहीं होते, तू गलत मत सोच। ये ले इसे रख ले, टाइम वेस्ट करने के लिए 200 रुपया ले लिया, और इसे ले जाकर किसी बुढ़िया के पास बैठा दे, बकवास करेगा तू तबला बजाना। यहाँ की सबका तबला बजाया मैंने, सिर्फ तू ही बाकी है। अरे तू चिंता मत कर, और नई जगह लेके चलता हूँ तुझे, पता नहीं खुद को क्या समझती है ये। ओ मामा, तुम बिगड़ गए हो तो इसे भी बिगाड़ने के पीछे क्यों पड़े हुए हो? कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम्हारे पास? हाँ अरे काहे का कॉमन सेंस यार, इसने सिर्फ कॉमा रखा है, सेंस भूल गया है। लेकर गया वहां तक ठीक था, इनको बता के गलती कर दी। एक मिनट रुको, मैंने कहाँ कहाँ ढूंढा तुम्हें, इतने दिनों तो कहाँ गायब हो गई थी? गायब मैं हो गई हूँ या तुम? जो करना था वो करके नाटक कर रहे हो, इंसान हो क्या तुम? ये कौन है और इसे क्यों मारा इसे? वो तुम्हें कुछ भी बोली हो, कुछ भी किया हो, तो भी ऐसे में उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा तू? वो तुमसे मजाक करती थी लेकिन तुम्हारा रिस्पेक्ट भी करती थी। तुम ऐसे हो मुझे नहीं पता था। एक मिनट रुक जा, देख मैं क्या करूं। हेलो हेलो हेलो, जरा रुको, आपने क्यों मारा इसे? हाँ हर कोई इसे मारता जा रहा है, कोई आगे पीछे की सोचता ही नहीं है। हा? मैंने तो सिर्फ इसे मारा है। दो मिनट रुक जाओ, उसके भाई आकर इसकी जान ही ले लेंगे। हेलो कैसी बातें कर रही हो तुम, आखिर इसकी गलती क्या है ये बताओ ना। तुम्हारी सहेली ने इससे प्यार किया और फिर उसके साथ प्यार का नाटक किया। मैं मानती हूँ उससे गलती हो गई है, लेकिन इतनी छोटी सी गलती के लिए इसने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। मतलब इसने जो किया है वो इसी से पूछ लो ना, चुपचाप खड़ा है ये। ऐसा क्या किया है तूने? ये कैसे बताएगा, शर्म आती होगी ना बताने में। उसका रेप करके बदला लिया है इसने। उसकी हालत देखी भी नहीं जाती, पागल होकर घूम रही है वो। उसे याद करती हूँ तो दर्द होता है। इसके गाल पे मारने के बाद भी मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, ऐसा बोलकर आत्महत्या करने चला गया था ये, समझे तुम? हम लोग इसे बड़ी मुश्किल से समझा के लाए और तुम मार रही हो। ओ मैडम, जो गलती करता है ना वो भागने की कोशिश करता है, सामने आकर गलती को वापस अपने सर पे नहीं लेना चाहता। हाँ। इतना भी समझ नहीं है क्या तुम्हें? हाँ? जिस दिन ये उसे थप्पड़ खाकर आया था, हम लोगों ने इसे बहुत डांटा था। तेरा प्यार सच्चा है तो जाकर उससे पूछ, ये कहा था हमने, मगर इसने क्या कहा पता है? उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं भी उसे जाकर थप्पड़ मारूं, तो उसे प्यार नहीं द्वेष कहा जाता है। वो मुझसे प्यार नहीं करती होगी, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ ना। ऐसा लड़का रेप करेगा क्या? क्या तुम लोग मुझसे सच कह रहे हो? सच यही है, उसके दिल में बस निस्वार्थ प्यार भरा हुआ है। सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन उसने इसे थप्पड़ मारा था ये सोचकर मुझे लगा था इसने उसका रेप कर दिया है। आकाश को मारने के लिए उसके भाई इसे यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं। अरे ये आकाश कहाँ चला गया? अरे आकाश 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 आकाश
वो रहा, देखो वहाँ। ए आकाश, अरे आ जा। ए आकाश, आकाश, ए आकाश, ये वो है। अरे क्या कर रहा है तू? आकाश क्या कर रहा है? चलो चलो उधर। ए आकाश, आकाश, ए आकाश, आकाश, रुक जा। ये क्या कर रहे हो तुम? सॉरी आकाश, तुम्हें समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने भी सोचा था कि तुम आजकल के लड़कों जैसे ही हो आकाश। आई एम रियली सॉरी, मैंने गलती से मार दिया तुम्हें। आकाश प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ। भूल जाओ आकाश, तुम दुखी क्यों होते हो? उसने गलती की और भगवान ने उसे उसकी सजा भी दे दी। जरा समझने की कोशिश कर आकाश, वो लड़की तेरे प्यार को जरा भी वैल्यू नहीं दे रही है। ऐसी लड़की को हमेशा के लिए भुला दे, तेरे लिए वही अच्छा होगा यार। अपने आप को संभाल, कुछ बोल। अरे कुछ बोल, बात करना। अरे क्या बात करूं, बोलना क्या बात करूं, क्या बात करूं उससे मैं? उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन भगवान ने उसे धोखा दे दिया। क्यों किया भगवान ने उसके साथ ऐसा? आकाश, 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 बताओ मुझे क्यों किया तुमने ऐसा, और कितने लोगों को इस तरह धोखा दोगे तुम? मेरा श्राप तुम्हें जरूर लगेगा। जिसे चाहता था वो तो चली गई, तो कहीं ना कहीं खुश तो रहेगी ये सोचकर हम कैसे भी जी सकते हैं। उसकी जान चली जाए तो भी उसकी याद में आखिरी सांस तक जी सकते हैं। दिल में प्यार का बीज डालने वाले भी तुम ही हो, और उसकी जिंदगी से खेल कर मजाक करने वाले भी बस तुम ही हो। तुमने अच्छा नहीं किया, धोखेबाज हो तुम, धोखेबाज हो। ए, अब मुझे नहीं देखोगे? देखो, जब मैं शॉप में थी तब बार बार आकर मुझे चुप चुप कर देखते थे, अब नहीं देखोगे? बताओ क्या हुआ, अब मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? मेरे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं? कुछ तो बोलो, हाँ बोलो ना, देखो मेरी तरफ। ये धरती माँ, इसलिए मुझे लड़के पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। अब ही सही देख लीजिए, मैं जब मैं ठीक थी तब तुमसे प्यार करता हूँ कहकर मेरे पीछे पीछे घूमता था, और अब जब मेरी इज्जत खो चुकी है, मुझे देख भी नहीं रहा। अब मैं क्या करूँ, इसने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, मेरी भी इज्जत नहीं है। मुझे भी अपने जैसा बंदर क्यों नहीं बनाया? मैं अब और जीना नहीं चाहती, मुझे अपने अंदर संभाले धरती माँ। ए सुनो, प्यार करो मुझसे। कहाँ चला गया वो तुम्हारा प्यार? छी, कितने बेशर्म होते हो तुम मर्द। लड़कियों की इज्जत तुम ही जानते हो, और फिर उसकी इज्जत बर्बाद भी तुम ही करते हो। नहीं, तुम मर्द कभी नहीं सुधरोगे। तुम सब एक जैसे होते हो। भूमि, आकाश, क्या हुआ बेटा? आकाश, क्या हो गया दादा जी? बेटा, दादा क्या हुआ बेटा? आकाश क्या हुआ बताओ दादा। हाँ बोलो बोलो। भूमि। कौन भूमि? वो कहाँ है बेटा? उसके सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है दादी। तुम हा? क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। जरा साफ साफ बताओ बात क्या है बेटा। वो भूमि। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, और मेरी भी। दिल में इतना बड़ा दुख रख कर तुम आखिर जी कैसे रहे हो बेटा? औरत की इज्जत करने वाला भी मर्द ही होता है, उसे बेइज्जत करने वाला भी मर्द है। ऐसे में औरत बेचारी क्या कर सकती है? इज्जत सिर्फ औरतों की नहीं, मर्दों की भी होती है बेटा। लेकिन आजकल मर्द अत्याचार करके अपनी ही इज्जत खो देते हैं, और औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान तक दे देती है। अगर मर्द औरत की इज्जत करेगा तो उसे भी इज्जत मिलेगी। अब इस बात में हम इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कर सकते हैं बेटा। अगर कहें कि तुम उस लड़की को भूल जाओ तो इसमें हमारा स्वार्थ नजर आएगा। तुम जो चाहे वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर जो भी करना है वो सोच समझ कर करना बेटा। लोगों को मेरे बारे में कुछ भी सोचने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्यार करने वाली अपाहिज हो या फिर अंधी हो या भले उसकी इज्जत खो जाने दो, लेकिन उसके साथ जीने की इच्छा को ही सच्चा प्यार कहते हैं। स्मिता, उसे देखने का बहुत दिल कर रहा है, प्लीज मुझे उसके घर पे ले चलो। आओ बेटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। ये कौन है? ये मेरा फ्रेंड आकाश है, भूमि का भी अच्छा दोस्त है। यहीं से ये गुजर रहा था तो इसने मुझसे कहा कि ये भूमि से मिलना चाहता है। जाओ बेटी, मिल लो उसे। ठीक है अंकल। भूमि, अरे अंधेरे में क्यों बैठी है? लाइट जलाना। यहाँ क्यों बैठी है भूमि, उठ जा, यहाँ पर बैठ। देख कौन आया है, देखना यार, तुझसे मिलने कौन आया है? आकाश आया है यार। भूमि, आकाश आया है, देखना। ये कौन से जमाने में जी रहा है यार, चप्पल लेकर बैठा हुआ है। ए चुपचाप बैठ, सब के अपने अपने सेंटीमेंट्स होते हैं। चप्पल का भी? हाँ। अरे कुछ बदमाश लोग च्युइंगम को चबा चबा कर उसका रस खत्म होने के बाद थूक कर फेंक देते हैं। वो किसी चप्पल या कपड़े में चिपक जाती है। देख पानी पीने से प्यास बुझती है, आंसू पिएगा तो नहीं बुझेगी। देख जो कुछ हुआ उसे बुरा सपना समझ कर पूरी तरह से भूल जा। पानी नहीं पियो तो आंसू कहाँ से आएंगे? ब्रेक फेलियर हो चुके हैं, अगर तू फिर भी चलाना चाहेगा तो हम क्या कर सकते हैं? गाड़ी वहीं पर छोड़ देगा तो मैकेनिक वहाँ रिपेयर के लिए आता है ना, तो फिर वो मैकेनिक मैं ही क्यों ना बन जाऊँ? अबे युद्ध में जाने वाले हर एक को वीरता का इनाम नहीं मिलता, कभी कभार हाथ पैर कट भी जाते हैं तो घर पर रहना पड़ता है। मामा युद्ध और प्यार में ये सब कुछ कॉमन है, ये तो तुम भी जानते हो ना। भागने वाले के पैर दुखते हैं, देखने वाले के नहीं। भागने वाले को इनाम दिया जाता है, देखने वाले को नहीं। वाला नहीं है, देख अभी मैं क्या करता हूँ। पूरा टाइम वेस्ट हो गया यार। सुनो, लकड़ी से नहीं निकलेगा वो, दांत से निकालो। एक से मार खाया, दो से बोलना। जब ही बैठता हूँ। क्या जरूरी था, चेहरा देख जरा। बस बहुत हो गया यार, लड़का लड़की बात कर ले तो उसे लव समझते हो, बाइक लेकर चार गली घूमोगे तो आइटम समझते हो, एक ही रूम में अगर लड़का लड़की दो मिनट बातें कर ले तो तुम लोग गलत समझ लेते हो। क्या समझते क्या हो तुम लोग, किसी दूसरे की गलती में बेचारी लड़की क्या कर सकती है? आकाश तेरा फैसला बिल्कुल सही है। गोबर पर पैर रखने से पूरे शरीर पे नहीं मरता, हल्दी शरीर पर लगाने से क्या शरीर हल्दी का पेड़ बन जाएगा? जरा समझाओ इन्हें, मेरी बात सुनो। मामा तुम्हें तो कहा था ना कि ये सब सेंटीमेंट है। तुम्हारे 100 रुपए के चप्पल पर च्युइंगम लग गया था तो तुमने चप्पल वहीं पर छोड़ी थी क्या? नहीं छोड़ी ना। मैंने जिसके साथ 100 साल जीने के लिए प्यार किया तो इतनी सी बात के लिए मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? और इस तरह छोड़ देना, इसे प्यार कहते हैं क्या मामा? यही तो प्यार की असली परीक्षा है। इससे बात करने से कोई फायदा नहीं है भैया। एक्सक्यूज मी, आप दोनों लवर्स हो? हाँ हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो, मे आई हेल्प यू? स्माइल स्माइल। बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहनना है। ओके ओके। क्या ये सब, ऐसी जगह आपको नहीं आना चाहिए, पता नहीं है क्या आपको? I'm sorry। आप दोनों लवर्स हो ना? नहीं तो क्या, भाई बहन आकर ऐसे बैठते हैं क्या? आप बहुत स्पीड में हो, आई लाइक इट। तुम दोनों शादी करोगे? क्यों, तुम करवाओगे क्या? शादी भी कराऊंगा, फर्स्ट नाइट भी कराऊंगा। ये लो। नहीं सर, मंगल सूत्र बांधो। मैं अपनी लाइफ में पहले बहुत कुछ करना चाहता हूँ, उसके बाद शादी करना चाहता हूँ। मुझे इस चक्कर में मत फंसाइए सर, माफ कर दीजिए सर, प्लीज। गली के जानवर और घर में पाले हुए जानवर में क्या फर्क होता है? पता है सर, पला हुआ जानवर घर वालों को काटता है और गली का जानवर सबको काटता है सर।
यू आर रॉन्ग। गली का जानवर घर की रखवाली करता है और जो पले हुए जानवर होते हैं उसकी रखवाली उसके मालिक करते हैं। यही है लव और शादी के बीच का फर्क। पहनाओ मंगलसूत्र, पहनाओ मंगलसूत्र। बुलाट अंदर गई तो तीन चीज बाहर आ जाएगी, उन तीनों को तुम अंदर नहीं डाल सकते। पहनाओ मंगलसूत्र, पहनाओ पहनाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगल। स्माइल कच्चक। व्हाट्स योर नेम? संजू। संजू संजू। योर नेम? गीता। गीता। संजू वेट्स गीता। तुम दोनों का बच्चा मैं ना। हटो 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 हटो। क्या हुआ ये सब? वो भूमि क्या हुआ? मेरे साथ ये सब हुआ और तुझे हंसी आ रही है? तुम मेरा मजाक उड़ा रही है क्या? अरे भूमि, भूमि क्या हो गया तुम्हें? ए, मेरी आवाज तुझ तक नहीं पहुंच रही क्या? पागल हो गई है क्या? तुझे तो मैं भूमि ऐसा क्यों कर रही हो? क्या हुआ फिर? तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ऐसा क्यों कर रही हो भूमि? छोड़िए मुझे। क्या हो गया तुम्हें भूमि? क्या हुआ तुम्हें? बताओ मुझे क्या हो गया तुम्हें? छोड़ दो। हे, उसे जानवर समझ कर रखा है क्या? बांध कर रूम में बंद कर दिया है? जरा सी भी इंसानियत नहीं है आप लोगों में? प्यार से उसे समझाने के बदले में आप लोग छह। हे आकाश, भूमि अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचाए इसलिए हमने उसे बांध के रखा है। वो बात नहीं है, पहले उसे चैन से जीने दो। अरे भूमि क्या कर? अरे भूमि भूमि ए भूमि उठ जा, उठ जा, ये ले पानी पी ले। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. भूमि क्या हो गया तुम्हें? बताओ शांत हो जाओ। हे भूमि, भूमि शांत हो जाओ। अरे क्या कर? भूमि, हे भूमि, कौन हो? कौन होते हो तुम मुझे छूने वाले? तुम्हारा मेरा क्या संबंध है? ओ, मैं समझ गई, तुम्हें मेरे साथ सोने का दिल कर रहा है ना? आ जाओ, आओ, आओ और जो करना है करो। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे, और देखो ये यहाँ बैठा है। कर कर, जो करना है वो कर। तू सामने गंदा पानी दिख रहा है फिर भी तू उसमें उतरने की कोशिश कर रहा है, समझे? एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुन। मर्द की जिंदगी दीपक की बाती की तरह होती है और औरत दिए की जैसी होती है, और जब तेल खत्म हो जाता ना तो बाती भी जल जाती है। हेलो, अगर तुम जलने के लिए तैयार हो तो ही तुम्हारे संसार में उजाला हो सकता है, नहीं तो बाती की तरह फड़फड़ाते रहोगे। हेलो, हमारी जिंदगी ऐसी करने की वजह तुम लोग ही हो। 360 ml की छोटी सी बोतल दूसरे साल में 5 लीटर के पानी की जैसी हो जाती है, इसमें मर्द की क्या गलती है भाई, ये बताओ। उस बोतल में पानी भरने के लिए बाजू वाला आएगा क्या? मुझे ड्रिंक्स के बारे में पता है, पानी के बारे में नहीं। चल जा। हां तू जाना। अरे कुछ बोल ना। हे तू कहां गया?
इतनी तेज बारिश है यार, बारिश बहुत तेज हो रही है ना। हाँ दिख रहा है ना तुझे भी। औलाद वालो फूलो फलो, अरे भूखे गरीब की यही एक दुआ है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, भूखे गरीब की यही एक दुआ है। औलाद वालो फूलो फलो। अरे इधर आना। हाँ बाबू जी, इस गाने के अलावा तुझे कोई दूसरा गाना नहीं आता क्या? मैं बचपन से यही गाना सुनता आया हूँ। कैसे कैसे गाने बने हैं, गांव में एक ही चमेली है, चिकनी चमेली चमेली, तेरी आँखियों का काजल काजल, ऐसे गाने गाना, ऐसे गाने गाएगा तभी कुछ होगा, दो पैसे ज्यादा मिलेंगे बे। पुराने घिसे पिटे गाएगा तो फिर जो मिलता वही मिलेगा। गाना भी पुराना है, हमारा दर्द भी पुराना है, कुछ मदद कर दो स्वामी जी। ओ हो, ऐसा क्या दर्द है भाई तेरा? इसका नाम ज्योति है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इसीलिए गा गा करके लोगों से मांगते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता है, कुछ आप हमारी मदद कर दो ना। बहुत अच्छा, वो शिव प्यार में क्या भर के देता किसे पता है? क्या बात है ईश्वर, डायरेक्टर साहब तुम्हें देखो तो पार्वती को बगल में और सिर में गंगा को बिठा के आराम से बैठे हो वहाँ पर। और भूलो की कहानी पता है क्या? बहुत से लोग प्यार में सफल हुए बिना तुम्हारे चरणों में गए, ये पता है क्या? हाँ मैं एक बात पूछूं क्या, लोग कहते हैं कि प्यार अंधा है, इन अंधे लोगों के दिल में प्यार भर के तुम ऊपर बैठ के मजे ले रहे हो ना, तुम्हें ठीक लग रहा है क्या? आप गलत सोच रहे हो स्वामी, भगवान सब जगह एक समय एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए बचपन में माँ के अंदर, जवानी में प्रेमिका के अंदर ऐसा इंतजाम कर रखा है उन्होंने, और बच्चों के रूप में भी भगवान अपना प्यार दिखाता है, ये सब भगवान के ही रूप है स्वामी जी, इसलिए ना तो भगवान दिखता है स्वामी जी और ना ही प्यार दिखता है, ये दोनों एक ही है। ऐसी बात नहीं है, ये देखो मेरा भांजा एकदम शानदार है, लेकिन प्यार में पड़ने के बाद बुरी तरह से तड़प तड़प के मर रहा है, फिर तुम ये कैसे कह सकते हो? ऐसा नहीं है स्वामी, प्यार पाने के लिए आंखें खुली रहना जरूरी नहीं है, दिल खुला रहना जरूरी है। शाबाश, हम लोग अंधे है साहब, लेकिन हमारा प्यार अंधा नहीं है, इसलिए हमारा प्यार जिंदा है। आँख रखने वाले खूबसूरती, फिगर, बंगला, कार, पैसा, ये सब देख कर शादी करते हैं, ये समझ में आता है, पर तुम दोनों के बीच में प्यार कैसे पनपा? खूबसूरती देखकर जो प्यार होता है वो प्यार नहीं होता है स्वामी जी, बल्कि वो तो पाप होता है। हम दोनों अंधे हैं, हमारा प्यार इस अंधेपन में ही उपजा है। बड़े अच्छे कलाकार हो तुम, अंधेरे में ही कैच पकड़ लिया। उस अंधेरे वाले प्यार को ही उजाले में लाना चाहता हूँ स्वामी, मदद कीजिए ना, कुछ मदद कीजिए ना। एक काम करो, क्या करना है? तुम दोनों का प्यार का अनुभव गाने के रूप में गाओ और अच्छे से गाओ, अच्छा लगा तो तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। ऐसा हुआ तो बहुत पुण्य कमाएंगे। ओके। ज्योति कौन सा गाना गाए? उस दिन तुमने प्यार पर कविता बनाई थी ना, वही गाते हैं हम दोनों। ठीक है, वही गाते हैं। लकड़ी नंबर वन जाल में तो फंस गई है। दूसरा बकरा भी फंसने को तैयार है। कौन से एंगल से देखूं? अब उसे देखो, अगला भी बकरा बनने के लिए तैयार है। तीसरा गधा भी बकरा बनने के लिए तैयार हो रहा है। वो देख उसने अपने पैरों पे क्या डिजाइन बनाई है। हम पब्लिक में कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा लफड़ा होगा, इसे उठाकर ले जाएंगे अपने प्लेस में करेंगे। ध्यान से। अगर जरा भी गड़बड़ हो गई तो यहाँ की पब्लिक हम लोगों को चप्पल से मारेगी, समझ गए ना तुम लोग? देखना उसे, पब्लिक में बेशर्मी कर रही है, मान मर्यादा छोड़कर कैसे रोमांस कर रही है, हमें तो पब्लिक में ही उसकी इज्जत लूटनी है, तभी तो मजा आएगा, थ्रिलर आएगा, थ्रिलर। अगर तू हमारे साथ नहीं आना चाहता है तो तू उतर जा,
हम खुद कर लेंगे। अरे ऐसा मत करो यार, गड़बड़ हो जाएगी, समझ लो। अरे मिस कर देगा उस लड़की को, गाड़ी से उतर। अरे क्या कर, चल चल। उसने हमसे पंगा लिया है, अब उससे बदला लिए बिना मुझे चैन नहीं आने वाला। उसने हमें देख लिया है, किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ेंगे। अबे मैंने कहा था ना, पब्लिक प्लेस में कुछ करेंगे तो फंस जाएंगे हम लोग। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, तुम लोगों तो मस्ती सूझ रही थी ना। अब देखो झेलो, अब तो सबकी लगने वाली है ना। ये स्मिता इस वक्त फोन क्यों कर रही है? दूसरे को फोन करो। ए, मुझे क्यों फोन कर रही है? अरे बात करके पूछ लेना उससे। हेलो, उठाइए, बात करो। हेलो चरण, हाउ आर यू? अब मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बहुत दिनों के बाद आज तुमने मुझे याद किया, बात किया है? शॉप बंद होने के बाद तुम लोग कहाँ पर चले गए? मम्मी के घर गए तो उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो गांव चली गई। और तुम लोगों को फोन कर करके वो थक गई। हमेशा स्विच्ड ऑफ ही होता है। hey, एक गुड न्यूज़ है, मेरी शादी तय हो गई है। अगले महीने में ही मेरी शादी है। तुम सबको कार्ड देना है। तुम सबको मैं कहाँ मिलने आऊँ? कांग्रेट्स, मुबारक है स्मिता। थैंक्स। मैं भी थोड़ा बाहर हूँ, हम कहाँ मिलेंगे मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा, ठीक है ना? ओके बाय।
क्या लफड़ा है ये बता। उसकी शादी है, बोल रही थी कि कार्ड देना है। शादी या फिर हमें ससुर जी के घर में हमें पहुंचाने का कोई बड़ा प्लान बना रही है। मतलब उसने तो कैजुअली बात की, तुम्हें पक्का यकीन है आकाश? सुमिता मैं उनका ऐसे ही क्यों नाम लूंगा, तुम देखती रहना वो लोग तुम्हें जरूर कॉल करेंगे, हमें संभल कर रहना होगा। अब चलो। अरे आज कौन मिलेगा रे? फॉरेनर्स। वाह क्या दिखती हो, अभी ऐसी दिखती हो तो जवानी में कैसी दिखती होंगी। तुम्हारी बच्ची से शादी कर लेता लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती है ना, और कलर भी वैसा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ जाओ पहले भगवान के दर्शन कर लो। थैंक यू। क्या आंटी लोग थी वो। हाय नलिनी, चलो पहाड़ों में चलते ना। बात मत कर मुझसे कमीने, लास्ट टाइम वहाँ लेकर गया था मुझे अकेला छोड़कर ही भाग गया। जिन जिनको पहाड़ में लेके जा सकता हूँ उनको घर में थोड़ी ला सकता। ओके, लड़कियों की डांटने से आशीर्वाद मिलता है। कहाँ है मेरी फूलों वाली? अरे बांध दे मेरे हाथ में फूल। अच्छा है जानू, क्या मौसम है ना, सब कुछ खुशनुमा। अरे मेरी रानी चलेगी ना? बांधेगा क्या? अरे सोने की रेट पता है, उसे मंगलसूत्र बांधना जरूरी है क्या? देख मेरी जान, चांदी के धागे में फूल बांधेगी तो क्या फायदा, फूल सूख जाने से पहले भगवान के चरणों में जाने चाहिए, और फूल सूख जाने के बाद वो डेड बॉडी के लायक भी नहीं रहते। बोल क्या बोलती है? फूल सूख जाने के बाद मैं लाश पर फेंकूंगी, लेकिन तेरे जैसे कमीने के पैरों पर नहीं। लगता है आज बहुत गर्म है। ओके अंकल, भूमि को कितने दिनों तक आप रूम में ही रखेंगे? बोर हो जाएगी वो, मुझे लगता है उसे बाहर ले जाने से वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी और अच्छा महसूस करेगी। कोई बात नहीं, देखो बाहर जो कुछ भी हुआ है ना वो ठीक बिल्कुल नहीं है, वो घर पर ही रहेगी। ए शंकर कैसी बात कर रहे हो तुम, तुम्हारे हिसाब से उसे जिंदगी भर रूम में ही रहना चाहिए क्या? ऐसी बात नहीं है, इस वक्त उसका बाहर जाना ठीक नहीं होगा। शंकर स्मिता जो कह रही है वो सही है, उसके वातावरण में अगर बदलाव आएगा तो हो सकता है वो सब कुछ भूल जाए, उसे लेकर जाओ बेटी। ओके अंकल, थैंक यू। तुम्हें पहली बार देखते ही तुम मुझे बहुत पसंद आई, मैं तुमसे शादी करके तुम्हें जिंदगी भर बहुत खुश रखना चाहता हूँ। इन फूलों की तरह हमेशा हंसती रहना। लेकिन भूमि मैंने ऐसा किया क्या है जो तुमने मेरे प्यार की रोशनी को जलने से पहले ही बुझा दिया? भूमि तुम ऐसे मतलब तुझसे एक बात कहूं, किसी के साथ भी धोखा करना लेकिन सच्चे प्यार के साथ कभी भी नहीं। स्मिता मैंने जो गलती की उसके लिए भगवान ने मुझे सजा दे दी, इसलिए पागल बनने का नाटक किया ताकि किसी से बात न करनी पड़े, मुझे लगा यही मेरे लिए सही होगा। आकाश ने मुझसे सच्चा प्यार किया और मैंने उसे ठुकरा दिया, पर इस हालत में इस वक्त मुझे उसके प्यार की सख्त जरूरत है। स्मिता मैं कितनी स्वार्थी हूँ ना। रो मत भूमि, गलती करना तो सहज है, जानबूझकर तो कोई गलती करता नहीं ना। नहीं स्मिता, मुझे उसका प्यार मिले शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, इसलिए कुछ भी करके मुझे उससे अपने आप को दूर रखना है ताकि वो किसी और से शादी करके अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता दे। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि वो मुझसे नफरत करने लगे। स्मिता मैं चाहती हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए बिल्कुल प्यार ना रहे, उसका जो मेरे लिए प्यार है वो नफरत में बदल जाए। वो पहले से ही बहुत दुखी है, उसे और दुख देना जरूरी है तो क्या? कहना चाहती है कि मैं उसके प्यार को एक्सेप्ट करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं, सब कुछ जानकर भी इतनी बड़ी गलती कर दूं मैं? आकाश के जितना प्यार करने वाला लड़का साथ जन्म लेकर भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, एक बार सोच ले। स्वार्थ के लिए किए गए प्यार का कोई मतलब नहीं होता स्मिता। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी इस हालत की वजह? उस दिन ऐसा है तो अपने भाइयों को सच बताकर आकाश पर जो इल्जाम लगाया है उसे हटा दे। नहीं स्मिता, आकाश से दूर होने का बस अब यही एक रास्ता बचा है,
हमारे दूर होने के बाद मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी, मगर फिलहाल ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, प्लीज। आकाश, इतना सब होने के बाद भी तुम उसे चाहते हो? नहीं आकाश, तुम्हारा चेहरा देखते ही वो और गुस्सा होती है। देखो, तुम्हारी वजह से उसकी जान को और खतरा होने से पहले तुम उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ। स्मिता, माँ के प्यार से भी ज्यादा इस प्यार में ताकत होती है। इस दुनिया में माता पिता के लिए कितने लोग मरे हैं, लेकिन प्यार के लिए हजारों लोगों ने जान दी है। ऐसे में तुम उससे दूर जाने के लिए कह रही हो, मुझे कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनो आकाश, फोन चरण का है। बात करो, बात करो। हेलो। वाह, क्या बात है। चरण, चरण। पिता। राम। अब बताओ हम कौन हैं? रॉन्ग। बताओ मैं कौन हूँ? चरण। रॉन्ग। इसके स्मिता। 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 बताओ मैं कौन हूँ? राम। वाओ, व्हाट अ गेसिंग बेबी। लव मी बेबी। छोड़ो मुझे। किस मी बेबी। क्यों रे ड्रामेबाज, अपनी शादी का नाटक करके हम सबको ससुराल भेजने का प्लान करता करता क्या तुमने? देखो, तुमने हम सबको ससुराल भेजने का प्लान बनाया था ना, तुम्हारे साथ हम फर्स्ट नाइट करेंगे, कबड्डी 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 कबड्डी, और हाँ, तुम्हारे आकाश को हमारे गुंडे आकाश में पहुंचा देंगे। तुमसे शादी करने वाला तुम्हारा दूल्हा जिंदगी भर जो तुम्हें खुशी देने वाला है, तो हम तीनों मिलकर तुम्हें वो खुशी अभी दे देंगे। मजा ले लो। तेरा आकाश आकाश में खो गया, कहाँ से आएगा? आकाश, इन्हें मत छोड़ना। वाह हीरो, आजा रे आजा। आओ, 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 ये बता, तू भूमि को क्या बहुत प्यार करता है? क्या करेगा रे, ऐसे क्यों घूर रहा है? मार दो इसे।
यहाँ? तुमने फोन किया था? तो फिर फोन किसने किया था? आपकी बहन से मैंने ही प्यार किया था, जान से भी ज्यादा प्यार किया था मैंने, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मैंने क्यों पूछा तो उसने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा, इसलिए। तुझे तो मैं, वो क्या कहना चाह रहा है पहले सुनो तो। आप चुप रहो, उसे बोल लो तो। रुक जाओ, अरे आओ, रोको उसे, उतार। मारो इसे, जान से मार दो इसे। मेरी बात तो सुनिए सर, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे घर में आकर हमें धोखा दिया। बात सुनो, तेरी सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए सर, एक बार सुनिए तो। शंकर, इसे इतनी जल्दी नहीं मारना है, इसे तड़पा तड़पा करके मारना है, इसे पता भी ना चले और इसे मार देना है। मारो इसे। मारो इसे और मारो, मारो सर, मारो, हमें धोखा देगा तू। एक मिनट मेरी बात तो सुनिए सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर, सर एक मिनट रुकिए सर, मुझे कुछ कहना है सर, सर चलो चलो। कहाँ जा रहे हो? ए, तेरे जैसे को तो इस मिट्टी में भी नहीं जाना चाहिए, अगर इसमें गया तो मिट्टी अपवित्र हो जाएगी। देख तू, देख आसपास यहाँ एक भी जानवर नहीं है, तेरे मरने के बाद तेरे शरीर का एक एक हिस्सा निकाल कर खा लेंगे वो लोग। मर यहाँ पर, मर। सर एक मिनट। ए रामो, सर मेरी बात तो सुनिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो तुम लोग गलत कर रहे हो। सर मरते समय कोई झूठ नहीं बोलता है सर, मेरे साथ चलिए मैं आपको सच दिखाऊंगा। प्यार में सच में बहुत ताकत होती है, प्यार में इतना दर्द होता है ये आपकी बहन के साथ प्यार करने के बाद पता चला। सर आपकी बहन मुझसे सच्चा प्यार करती तो मैं हंसते हंसते अपनी जान दे देता सर, मगर एक बात सुन लीजिए सर, अगर यहां मुझे कुछ हो गया तो सबसे पहला दर्द आपकी बहन को ही होगा, क्योंकि सच क्या है वो आपकी बहन ही जानती है सर। ए शंकर, पहले इसके हाथ खोलो। ये अपनी जान बचाने के लिए आपसे झूठ बोल रहा है, इसकी बात मत सुनिए। क्यों ना सुनो, उसकी बातों में दर्द है, पहले उसके हाथ पापा, खोलो। आप नहीं जानते इसके बारे में। इसके हाथ खोलो, चलो शंकर, चलो खोलो। शंकर खोलो इसको, देखते हैं क्या बोलता है ये। ए सुन, बोल क्या बोलना चाहता है अब, बोल। आपकी बहन ने जिस दिन मुझे चांटा मारा उस दिन से आज तक वो नहीं रुकी, उसने मारा, उसकी फ्रेंड ने मारा और आज तुम लोगों ने मारा। अगर मैं चाहता तो तुम सबको मार सकता था, मगर तुम लोगों का गुस्सा क्या है ये मैं अच्छे से जानता हूं सर। इतना होने के बाद भी मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूं, ये पागलपन है या उम्मीद है या मतलब है या क्या है या फिर काम है या जिद है या चाहत है, ये मुझे नहीं पता सर, नहीं पता मुझे। नहीं आकाश, यही सच्चा प्यार है, प्यार का कोई ऑप्शन ढूंढे बिना, चाहे कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में तुम उसके साथ ही जीने का इंतजार कर रहे हो और यही सच्चा प्यार है। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ आकाश, क्या है ये तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा। जब ये पहले बार हमारे घर पर आया था तो एक कोने में बैठकर ये रो रहा था, और एक बात जानते हो, इस तरह से बैठकर रोने वाला कोई अपना ही होता है। इतना ही क्यों, जब तुमने अपनी बहन के हाथ पैर बांध कर रखे हुए थे उस वक्त से कितना दर्द हुआ था ये तुम लोगों ने भी तो देखा था। तो फिर भूमि की जिंदगी किसने बर्बाद की है वो मैं दिखाता हूँ आपको, वहां देखिए। नलायको तुम लोग, तुमने किया लास्ट टाइम मेरी बहन के बर्थडे पे आकर उसे अपनी बहन बहन बोल करके और हमें भाई भाई बोल करके गए थे ना तुम लोग। छे भावना और संबंध तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं है, जीते जागते जानवर हो तुम लोग।
ऐसे जानवरों को इस समाज में जीने का कोई हक नहीं है। मेरी बेटी ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? उसकी फूल जैसी जिंदगी को तुम लोगों ने मसल कर रख दिया। मत छोड़ो इन्हें, मारो 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 इन्हें, छोड़ो मत। ए, छोड़ो हमें, छोड़ो। उस दिन तुम्हें थप्पड़ मारा था ना उसने। उसके बाद क्या हुआ पता है? पता है तुम्हें क्या हुआ? पता है? हे भूमि, कैसी बात कर रही हो तुम? क्या है ये तुम्हारे लिए नया है क्या? कम ऑन भूमि। क्यों मैडम, लास्ट टाइम के बर्थडे में आपने क्या कहा था, याद है आपको? भूमि, एक दिन मर्द के जैसा पीकर दम मारो दम की तरह दम लगाकर एंजॉय करूंगी, मैं किसी से कम नहीं हूँ, ऐसा कहा था ना? अब क्या हो गया, भूल गई क्या? Cheers! 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 क्या सोच रही हो भूमि, पियो ना, एंजॉय करो। नहीं यार, मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। क्या कहा, लव? हे भूमि, तुम ये प्यार व्यार के चक्कर में कहाँ पड़ गई? नहीं यार, आज मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे यार, तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता है। अरे आजकल की औरतें मर्द से भला किसी चीज से कम होती है क्या? ऐसा तुम ही तो कहती थी ना, वो सारी बातें भूल गई क्या? ए चरण, स्टुपिड की तरह बातें मत करो। हम भी तुम लोगों से किसी मामले में कम नहीं है, ओके? और वैसे भी ये सब ज्यादा पीना हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ। हे भूमि, क्या हुआ, इतनी सी बात के लिए गुस्सा क्यों हो रही हो? नहीं पीना है तो छोड़ दो, और क्या। हाँ, हाँ, छोड़ देंगे ना। हम ये सब खत्म करने के बाद तुम्हें ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि रात को अकेले जाना ठीक नहीं है ना, सही कहा ना? फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक है, उसे लेकर आओ, ये कोल्ड ड्रिंक पी लेगी। मुझे अचानक से चक्कर आने लगा। और तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मम्मी, विस्की से चक्कर नहीं आएगा तो क्या आएगा? एक और पी लो, सब उतर जाएगी, सही कह रहा? मेरे साथ। ए भूमि, जस्ट चिल यार, ये लो एकदम मारो। लो 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 कम ऑन कम ऑन कम ऑन अरे भूमि कम ऑन। अभी तुमने वो सब कुछ पी लिया है जो मर्द पीते हैं, अब तुम भी मर्द की तरह हो गई हो। बस एक ही बाकी है, औरत और मर्द के बीच के भेदभाव को बिल्कुल भुला दो, फिर देखना तुम और हम सब बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। भूमि, सच कह रहा हूँ। भूमि, तुम जब गुस्सा होती हो तो और भी हसीन लगती हो। क्यों साथियों, मैंने बिल्कुल सही कहा रहा। ले चलो। जो ज्यादा उड़ता है ना, उसे एक दिन नीचे गिरना ही पड़ता है। समझ में आया? कैसा जन्म है तुम लोगों का, सिर्फ औरतें ही धोखा देती हैं क्या? मर्द धोखा नहीं देते? औरतों को खाना खाने की तरह यूज करते हो और उसके बाद फेंक देते हो? वो लोग भी पागल हैं। मर्दों की तरह जीने के लिए वो अपने आप को बर्बाद कर रही हैं। तुम जैसे लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। औरतों के बारे में ये सोच सकते तू? मर जा। तुम्हारी तो, तुमने भूमि के साथ ऐसा किया, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, ये इतनी आसानी से नहीं मरने चाहिए, इन्हें तड़पा तड़पा कर मारना पड़ेगा। इन लोगों के लिए एक जगह है, इन लोगों के लिए एक सजा है, ले चलो इन्हें। चल चल। इनका शरीर मिट्टी में नहीं मिलना चाहिए, वरना मिट्टी अपवित्र हो जाएगी। लो इसे। जंगल के जानवर आकर यहाँ इन्हें धीरे धीरे खाएंगे, यही इनकी सजा है। अत्याचारियों को समाज से दूर करने के लिए पुलिस, कानून, न्यायालय,
यही काफी नहीं है। हर इंसान के दिल में अपनी संस्कृति का महत्व, संबंध का महत्व, औरतों की मान इज्जत मर्यादा का महत्व होना जरूरी है। महिलाओं की इज्जत करना और उनके हितों की रक्षा करने की प्रवृत्ति हर इंसान में पैदा होनी चाहिए, तभी अपने देश में औरतें सुरक्षित रह सकती हैं। नहीं तो कानून, सजा, ये सिर्फ बहाना ही बने रहेंगे। तदेव लग्नम सुजनम तदेव तारा बलम तदेव दैव बलम तेंग्रेगम स्मरामि। वो देखिए, वो लोग आ गए। अरे देखो तो, ओहो, आप सब लोग मिलकर मेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। वेरी गुड। नहीं, मुझे इस वक्त शादी बिल्कुल नहीं करनी। भूमि, नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। भूमि, भूमि, ओहो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मुझे मंगलसूत्र पहनाना है। लो तो पहनाओ। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, ये लो पहनाओ। क्यों, क्या हो गया? हाँ, मैंने उस दिन तुम पर हाथ उठाया, तुम्हारा इतना अपमान किया, फिर भी तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, तुम्हें ऐसे बोलूंगी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें मार दूंगी, मार दूंगी तुम्हें, मार दूंगी तुम्हें, जान से मार दूंगी। समझाओ तो चाहिए, रुक जाओ, क्या करें? मार दो भूमि, मार दो मुझे। तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया, सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मैं तब भी नहीं मरा। भूमि, तुमने अपने दिल में मेरे लिए इतना प्यार रखा है, अगर तुम प्यार से मार देना चाहती हो तो मारो, मैं मरूंगा। मेरे सपने, मेरा दिल, सब कुछ पहले से ही मर चुका है, अभी तो सिर्फ ये शरीर बचा है। मार दो, बस करो भूमि, अब और कितने दिनों तक ऐसे ही नाटक करोगी? बस करो। स्मिता? हाँ भूमि, मैंने इसे सच बता दिया है। क्यों आकाश, आखिर क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? मैं तुम्हारा प्यार पाने के लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा कितना अपमान किया, इतना सब कुछ करने के बाद मैं तुम्हारे साथ कैसे जी पाऊंगी? भूमि, एक प्यार को पाने के लिए पैसा, जायदाद, खूबसूरती और बहुत कुछ चाहिए, ऐसा लोग बोलते रहते हैं ना। आओ देखो इन्हें, ये दोनों बेचारे अंधे हैं, ये कैसे दिखते हैं इन्हें नहीं पता, फिर भी प्यार करके दोनों शादी कर रहे हैं। क्यों, ये सच्चा प्यार नहीं है? और वहां देखो, मेरे दादा दादी 90 साल होने के बाद भी आज के प्रेमियों को शर्म आ जाएगी इस तरह जी रहे हैं। उन लोगों का प्यार क्यों नहीं बिगड़ा? उनका सच्चा प्यार नहीं है क्या? प्यार तो बहुत पवित्र होता है, उसकी कभी मौत नहीं होती। नहीं आकाश, तुम मुझसे शादी करके मुझे नई जिंदगी दोगे, खुशी दे दोगे, अगर ये समाज हमें जीने नहीं देगा, उठते बैठते सोते जागते लोग अपने दानों से हमारी जान ले लेंगे, वो जैसी लड़की को समाज इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता। नहीं, मुझे जिंदा ही नहीं रहना है, मुझे मर जाना है, मर जाना है मुझे, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। इस मिट्टी में मिल जाने वाला वो शरीर खराब हुआ है, तुम्हारा दिल नहीं। सच में तुम्हारा दिल खराब हुआ होता तो मैंने उसे धोखा दिया है, वो मुझे भूल जाए ऐसा क्यों सोचती तुम? बताओ, तुम मुझसे सच में प्यार करती हो ना? बोलो ना। भूमि, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी उम्र, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। सुनो, तुम आकाश के प्यार को अपना कर तुम शादी करके अपना घर बसा लो, इससे हम लोगों को बहुत खुशी होगी। तुम इसके प्यार को अपनाने से मना मत करना भूमि, आगे बढ़ो। भूमि, मेरी बात सुनो, इस भूमि में रिश्ता बनता है सिर्फ देह सुख के लिए, मैं ऐसा मानता था, लेकिन उन अंधे प्यार करने वालों को देखने के बाद मुझे लगता है कि प्यार का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, और ये बात मुझे अब समझ में आई है। तुम आकाश के प्यार को मना मत करना प्लीज।
औरत की इज्जत शरीर से नहीं बेटा, दिल से होती है। गलती करने के बाद उसे मान लेने जैसी बड़ी सजा और कुछ नहीं हो सकती। उस भगवान के प्यार को निस्वार्थ भाव से रखना चाहते हो तो इंसान की बनाई दुनिया के बारे में क्यों सोचती हो बहन? हम कौन हैं ये तुम नहीं जानती। अब तक तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो सब हम लोगों ने सुना। इंसान कुछ पाने की चाह में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। इसी तरह मेरी जिंदगी के साथ भी खेल हुआ है। जब मेरे सामने सिर्फ मौत यही एक रास्ता था, मगर भगवान की तरह आकर इन्होंने मेरी जान बचाई और मुझे नई जिंदगी दी। समाज, इज्जत, रिश्ता, ये सब तो भ्रम है। जिंदगी को जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, वो अपने ही हाथों में है और इसके हम खुद ही गवाह हैं। ये सही गलत इन सभी का फैसला करने वाला तो वो है। इंसान को जिंदगी जीने के लिए चाहिए प्यार, त्याग और भरोसा। ये तीनों ही जब तुम्हारा वो प्रेमी तुम्हें देने के लिए तैयार है तो उस ऊपर वाले पर भरोसा करके तुम उसके पास चले जाओ। सब ठीक हो जाएगा, तुम भी ठीक रहोगी। जाओ बेटी उसके पास। जाओ बेटी, जाओ। आकाश, मुझे माफ कर। भूमि, I love you भूमि। आकाश, I love you। आज के बाद मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोडूंगी आकाश।